हेलो गाइस, मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है रोस्ट चिप्स एट होम। दोस्तों, आप अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन एकदम से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करूंगी जो आपके फेस के साथ आपकी फुल बॉडी की जो स्किन है उसको ब्राइट एंड फेयर बनाएगा। तो आइए आज की वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताया है, जो मेरी वीडियो होती है उसके अंदर जो रेमेडी होती है वो मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, उसको कोई भी यूज कर सकता है और उसका बेनिफिट ले सकता है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो हमारी रेमेडी है उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है खाली बाउल, और बाउल के बाद जो आज का हमारा पहला इंग्रेडिएंट यानी कि पहली चीज है वो है हमारा कोकोनट ऑयल, वो हमें लेना है एक चम्मच। दोस्तों, जो कोकोनट ऑयल होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी स्किन से जो डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, स्किन को गहराई से साफ करता है और जो हमारी बॉडी में मेलानिन की जो क्वांटिटी होती है उसको कम करता है, जिससे हमारी स्किन फेयर हो जाती है। और इसके साथ ही साथ ये हमारी स्किन को अंदर से डीप मॉइस्चराइज भी करता है। इसके बाद दोस्तों, जो हमारी दूसरी चीज है वो है हमारा नींबू। नींबू लेना है हमें आधा, इस तरीके से हमें इसको निचोड़ लेना है। इसमें दोस्तों, जो नींबू होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो ये हमारी स्किन को ना ब्लीच करने का काम करता है हमारी, जिससे हमारा कलर है वो फेयर हो जाता है, दाग धब्बे दूर हो जाते हैं, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये दो चीजें हो गई हैं। अब इसके बाद जो हमारी आखिरी और तीसरी चीज है वो है हमारी हल्दी, वो हमें लेनी है जरा सी इतनी एक पिंच, इसको भी हमें इस तरीके से इसमें डाल लेना है। दोस्तों, जो हल्दी होती है वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत पुराने टाइम से इसका यूज होता आ रहा है। इसका यूज हम उपटन में भी करते हैं, इससे हमारी स्किन निखरती है, स्किन में ग्लो आता है और इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी से, जो हमारे अनवांटेड हेयर्स होते हैं वो उनकी जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं और धीरे धीरे वो झड़कर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी तीनों ही चीजें मैंने इसमें डालकर खाली बाउल के अंदर आज की जो रेमेडी है उसको अच्छे से मैंने मिक्स करके बना लिया है। अब ये रेडी हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को किस तरीके से इसे यूज करना है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर जो हमारी रेमेडी है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को इसको किस तरीके से अपने फेस पर यूज करना है। तो दोस्तों, आपको अपने फेस पर जिस बॉडी पार्ट पर आप इसको यूज करना चाहते हैं, जो भी आपको जहां से भी अपनी स्किन को निखारना चाहते हैं वहां पर, जैसे मैं अपने फेस पर अपनी नेक पर इसको यूज करूंगी तो मैंने फेस वॉश कर लिया है ठंडे पानी से, जो भी फेस वॉश मैं यूज करती हूँ उससे मैंने, और नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश करके सुखा लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से अपने फिंगर टिप पर लूंगी, इस तरीके से दोनों हाथों से, और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज करूंगी। दोस्तों, ये मसाज आपको 5 से 10 मिनट के लिए करनी है। इस तरीके से मसाज करनी है आपको, जहां भी आप इसको यूज करना चाहते हैं वहीं पे। बस ध्यान इसका ये रखना है कि जो ये मसाज है जेंटली होनी चाहिए, हाथ ज्यादा आपका टाइट ना रहे। इस तरीके से आपको मसाज करनी है और आप इसका यूज नहाने से पहले करें। बस इस तरीके से आपको मसाज करनी है 10 मिनट तक। 10 मिनट तक मसाज करने के बाद आप इसको एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और उसके बाद जिस भी वाटर से आप नहाते हैं, बाथ लेते हैं, ठंडा गर्म, उससे आप नहा सकते हैं। तो बस दोस्तों, ये मसाज कंप्लीट होगी। बस आपको इतना ही करना है हफ्ते में सिर्फ 2 बार। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज की वीडियो के अंदर, जो हमारी रेमेडी है उसको बनाना और अप्लाई करना दोनों ही कितना इजी है। आपको भी इसको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है, और ऐसे ही आपको अप्लाई करना है जैसे मैंने करके दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही। आपको इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करना है और आप खुद ही 2 से 3 बार के यूज से रिजल्ट देखेंगे। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।